कम आपको नहीं बताया है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने हो रही हैं, लेकिन पार्टी को किस तरह से इस चुनाव का सामना करना है इस पर बड़ा गंभीर गंभीर प्रयास चल रहा है, सिर्फ विचार नहीं चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बड़े समय से हम खुलकर सामने आएंगे और अवश्य इस चुनाव को बड़े विश्वास के साथ लड़ेंगे। मैं आज समझता हूं इससे ज्यादा मुझे कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अमर सिंह साहब, कैसी चल रही है आपकी रिटर्न टू पवेलियन? आप वापस उतरे हैं काफी दिनों के बाद बैटिंग करने के लिए, काफी देर से एक तरीके से वनवास आपका चल रहा था, कैसी लग रही है आपको नई इनिंग्स आपकी? अब जिसको वनवास कहते हैं उसको मैं अपना उपार्जित अवकाश कहता हूँ, अर्न्ड लीव, और अपने उपार्जित अवकाश को मैंने अच्छे से काटा है, अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ किया है, अपने बिखरे कारोबार को संयोजित किया है, किताबें पढ़ी हैं, दुनिया की सैर की है। तो देखने का नजरिया है, जिसको आप वनवास कहते हैं उसको मैं अपना उपार्जित अवकाश अर्न्ड लीव मानता हूँ। और मेरा मानना है कि जीवन में जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, और मैं फ्रोजन टाइम फ्रेम में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य खुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। तो मैं अपने वर्तमान में जी रहा हूँ, और आज तक के इंडिया टुडे के इस प्लेटफॉर्म पर आपने बैठाया हुआ है, तो आप हमारे वर्तमान के बारे में पूछे। सर, वर्तमान की हकीकत यह है कि आजम खान आपके वापस आने से परेशान है, ऐसा क्यों है कि आप आते हैं तो लोग एकदम सोचते हैं कि सपा एकदम दरार पड़ गई सपा में? भाई आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। जिस समय चर्चा चल रही थी उस समय मेरे कान जरा खराब चल रहे थे, मैं इलाज करवा रहा था। अब ठीक हो गए सर कान आपके? अब ठीक हो गए, इसलिए पहली बार आपसे सुना कि कोई नाराज है। तो आपकी जब से आप वापस लौटे आजम खान से मुलाकात हुई है? जब से आप लौटे हैं पार्टी में आपकी आजम खान से मुलाकात हुई है? नहीं, जब से औपचारिक रूप से मैंने तो दल में हमारे प्रवेश की घोषणा ही नहीं हुई। आदरणीय मुलायम सिंह जी का एक बयान आया कि अमर सिंह जी हमारे दिल में है, और उसके बाद जो है घोषणा हो गई कि हम राज्यसभा के नामांकित उम्मीदवार हो गए, और उसके बाद हमने पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद जीत गए। जीतने के दो दिन बाद हमारे बच्चों का ग्रीष्मावकाश था, हम उनको लेकर के जो सालों से लंदन जाते हैं लंदन चले गए, आज ही सबरे लंदन से लौटे हैं, और लंदन से लौटते ही सिर मुड़ाते ओले पड़े, आपकी आज्ञा हुई हाजिर हो गए। नहीं तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही है, आप अमूमन तो इस तरह की मीटिंग में एकदम सेंट्रल कैरेक्टर हुआ करते थे, इस वक्त आप यहाँ पे बैठे हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में, अखिलेश हमने सुना बड़े गर्म हुए पड़े हैं, कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कहाँ से आ गया। ऐसा लगता है कि वो आप महाभारत के संजय हैं, और वो संजय बैठे हुए थे धृतराष्ट्र के पास और बता रहे थे कि महाभारत के मैदान में कौन से तीर चल रहे हैं और कौन सी कमान चल रही है। संजय सही बता रहे थे कि नहीं? संजय सही बता रहे थे कि नहीं? नहीं, संजय बता रहे थे, लेकिन मुझे आप संजय ये मुझे आज पता चला। अभी तो आपने कहा। नहीं नहीं, आज पता चला आपके इस गुण के बारे में। और कई बार ऐसा होता है, अभी हमारे सर प्रधान जी ने एक बात बताई, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, इसलिए करते हैं कि बड़े जरा क्लिष्ट बोलते हैं और बड़ा तल्ख बोलते हैं, लेकिन बड़ा संतुलित बोलते हैं। राम को भी, श्याम को भी, जदू को भी और मधु को भी, सबकी खबर ले और सबको खबर दे, ये इनका आचरण है। अब अपने इस आचरण से वो लाचार हैं, तो इसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और आप भी पत्रकार हैं। लेकिन कई बार जो आप लोग सोचते हैं और जो लोग समझते हैं, जो आपका आकलन होता है, वो सही नहीं होता है कि भाई झगड़ा हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, तीर चल रहे हैं, तकबान चल रहे हैं, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं नहीं, पर हमें खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी का समाजवादी पार्टी से जो विलय है वो संभवतः रद्द हो सकता है, ये संसदीय बोर्ड की मीटिंग में फैसला हो रहा है। तो संजय एकदम सटीक चलते हैं आपके हिसाब से? छोड़िए, अभी थोड़ी देर में चूंकि घोषणा होगी तो मुझे बताइए कि आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी जैसे कैरेक्टर्स की जरूरत है समाजवादी पार्टी को कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इटावा में मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े, डाकू मान सिंह के सुपुत्र डाकू तहसीलदार सिंह
भारतीय जनता पार्टी से लड़ा दिए गए। आजमगढ़ से मुलायम सिंह चुनाव लड़े, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय रमाकांत यादव उनसे लड़ा दिए गए। संभल में मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े, मैं संभल पहुंचा। एक बड़ा बैनर मैंने देखा, संभल पहुंचते ही अटल जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा और उनके बगल में टीपी यादव, वो कमल के उम्मीदवार थे, और नीचे एक स्लोगन कि भयमुक्त समाज के लिए डीपी यादव को वोट दीजिए। तो मैं समझता हूं कि बनारस में जब अजय राज चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी से, तो मुख्तार अंसारी का समर्थन औपचारिक रूप से लेने में जो हमारे धर्मनिरपेक्ष साथी थे, दल थे, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। मैं मुख्तार अंसारी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो घटित हुआ कह रहा हूं। दर्शकों को बता दें कि अभी बयान है रामगोपाल यादव का कि सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान, मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय नहीं होगा। तो ये हो गया सर काम। सुबह अखिलेश बोल के गए, वो वहां पे छपा भी, आज का वो जो अखबार छपा है उसमें बड़ा बड़ा आज तक का नाम आया है, और शाम आते आते वो विलय ही रद्द हो गया। खुशी साहब, आप मानेंगे कम से कम ये एक सही फैसला हुआ कि आखिरकार मीडिया का प्रेशर था, जनता का प्रेशर था, लेकिन आखिरकार सपा ने सही फैसला लिया? क्या आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है अंसारी से हो जाए विलय, क्या दिक्कत? देखिए, सपा का अंदरूनी मसला है। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो फिर और दो आज जो और रेजोल्यूशन पास हुए होंगे उस पर भी कुछ कहना होगा। मुख्तार अंसारी से लोग डील कर लेंगे, लोग बात कर लेंगे, उनके साथ कोई भी समझौता कर लेंगे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ना हो ये लोगों की अपेक्षा। मंच पर मौजूद अमर सिंह, सलमान खुर्शीद और जगदम्बिका पाल, आपके बहुत लिमिटेड अनुभव में सपा का कांग्रेस से टाइप होना अच्छी बात है कि नहीं? देखिए साहब, मैं कुछ बोल करके सही या गलत हेडलाइन का ग्रैबर नहीं बनना चाहता। मेरा अपने इसके बारे में एक व्यक्तिगत मत है और क्या मत है, उस मत को मैं सार्वजनिक नहीं करना। बताइए, अरे कब से अमर सिंह मत को सार्वजनिक करने से डरने लग गया? ऐसे अमर सिंह को मैं जानता ही नहीं हूँ। नहीं, आप तो जानिए, नया अमर सिंह नहीं जानते तो जानिए, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। चलिए जगदम्बिका जी, ये बताइए, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई, ब्रेकिंग न्यूज ये कि कौमी एकता दल से जो टाइप है वो कैंसिल हो गया। अखिलेश यहाँ पे आए थे, उनको हमने काफी घेरा, सवाल पूछे, वो हमारे प्रेशर में, वैसे जनता के प्रेशर में उन्होंने कहा कि नहीं होगा। आप मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की जो हैसियत है वो थोड़ी बढ़ती है? एक मैसेज जाता है कि विकास पर केंद्रित एक मुख्यमंत्री है जो अगर इसके चाचे इस तरह के फैसले लेना भी चाहते हैं तो ये प्रेशर में नहीं आएगा, जो सही चीज है वो करेगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए सही फैसला हुआ ये? देखिए, अखिलेश यादव के सामने दिक्कतें क्या है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं पिछले चार वर्षों में लगातार ये कठिनाई है। देखिए, लखनऊ की ऑडियंस बैठी है कि ये लगातार उनके सामने पूरे प्रदेश की जनता में है कि अखिलेश इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते, कई मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश फैसले नहीं ले पाते हैं, फैसले कहीं और से हो जाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर उनकी एक इमेज थी कि डीपी यादव को पार्टी में नहीं शामिल होने दिया, अब तो और बेहतर हो गई सर। पहले डीपी यादव को रोका, अब मुख्तार अंसारी की पार्टी से विलय रोका। आज जिस तरीके से बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए विलय हो गया, उनको हो सकता है टेलीविजन से मालूम हुआ हो, और जिस तरीके से उनकी पार्टी में एक घमासान शुरू हुआ और मुख्यमंत्री का के सामने जिस तरह से उनकी पार्टी में एक सवालिया निशान लग गया कि क्या मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना जिस तरीके से शिवपाल सिंह जी ने बलराम यादव ने जहां से भी हुई और बलराम को बर्खास्त में तो कैंसिल हुआ ना, चली किसकी, मुख्यमंत्री की चली? हमारे यहां जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछना है कि आपके हिसाब से ये फैसला सही था कि नहीं, मुख्तार अंसारी की पार्टी से विलय? देखिए, सब लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैसेज तो ये गया ना कि शुरुआत में जो भी हुआ हो आखिर में तो वही हुआ जो सही था। अरे, तीन दिन में आप लोगों ने जितना हाइप किया, अगर ये फैसला नहीं करते तो इस सवाल का जवाब चुनाव तक यही देना पड़ता कि आप कौमी एकता दल या मुख्तार अंसारी को जब आप एक बात कहते थे कि मैं एंटी क्रिमिनल हूं तो फिर कैसे आपकी पार्टी में, तो उसका पटाक्षेप तो करना ही था, तो इसलिए वो तो अमर चुनाव की उनकी पार्टी की इतनी बड़ी चूक आप लोगों से हुई कैसे? डीपी यादव को रोकने वाला मुख्यमंत्री या उस वक्त का कैंडिडेट दोबारा चुनाव में कैसे जा सकता है मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ? ये बहुत बड़ी गलती शुरू में नहीं होगी आपसे? जुम्मा चार दिन हुए हैं मुझे और मैं और
राज्यसभा का सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं आज पहली बार आया हूँ और सीधे आप आपके प्रश्नों के बलबीते पर मेरी गर्दन है, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, मतलब कि घमासान हो गया, बिखराव हो गया, टूटन हो गई, यहाँ रोज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हार्वर्ड यूके में है, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े संघी जिनका नाम कृष्ण गोपाल जी ने बैठ करके मोहन भागवत जी के संस्तुति पर ताकि कोई काट न सके आखिरी समय राष्ट्रपति जी से नामित करवाया, ताल ठोक के करे ये गवर्नर रिजर्व बैंक खराब है, हमारा दोस्त अरुण जेटली कह रहा है नहीं अच्छे है लेकिन वो चले गए, तो कौन जीता कौन हारा। फिर उन्होंने कहा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार इसकी गर्दन मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसकी गर्दन एकदम सलामत रहे, तुम्हारी गर्दन बड़ी कीमती है क्योंकि तुम्हारी गर्दन जब तक है तब तक तुम्हारे मुखार बिंदु से सुझावों का प्रस्फुटन हो रहा। उसके बाद वहां पर ठंडे हुए तो फिर ताल ठोक करके आ गए वित्त सचिव चाहिए, वित्त सचिव चाहिए, लेकिन ये आप कहेंगे आंतरिक लोकतंत्र है और उसका संवेग है और अगर यहां कुछ हो जाए तो पता नहीं कौन सा वेग है, भैया ऐसा मत करिए। चलिए जवाब दीजिए जगदम्बिका जी, ये सुब्रमण्यम स्वामी क्या है, एक तरीके से लूज कैनन है जो मन में आता है बोल देते हैं, जुबाई इनकी फिसल जाती है, या फिर एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है किसी की शह पे ये सब करते हैं? देखिए सुब्रमण्यम स्वामी आपकी दोस्ती है उनसे? सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं हमारी बहुत दोस्ती है, आपकी दोस्ती हमारे तगड़े दोस्त हैं, सब खतरनाक लोगों से आपकी अच्छी दोस्ती, दो दशकों के हमारे दोस्त हैं, मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे से बड़े निकट जी, सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं, पार्टी ने यह भी कहा कि मान लिया उनकी अपनी राय है, लेकिन जैसा आप अमर सिंह जी कह रहे हैं कि अगर मान लिया उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के खिलाफ कहा या एडवाइजर के खिलाफ, इकोनॉमिक एडवाइजर के खिलाफ कह रहे हैं, तो मान लिया वो एक सांसद के रूप में एक नेता के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। नहीं 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 सर, लेकिन इकोनॉमिक एडवाइजर तो अलग बात है, आप तो अरुण जेटली पे सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए आज जैसे कह रहे हैं कि मान लिया इस तरीके से वहां लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी प्रॉमिस क्या थी कि हम 20 घंटे बिजली देंगे 16 घंटे काम देंगे। मेरी बात सुन लीजिए 5 साल से रिटायर्ड एमडी यहाँ लखनऊ में बैठे, पूरा प्रदेश जानता कि अगर बिजली नहीं मिल रही होगी तो उत्तर प्रदेश के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और रिटायर हो चुके 5 साल से, लेकिन इनकी पार्टी में कोई बोलने की कोशिश नहीं करेगा। तो एक उदाहरण नहीं है, इस तरीके से इतने उदाहरण पूरा लखनऊ जानता है कि रोज हर चौराहों पे बिजली को लेकर के जाम हो रहा है। तो अब अगर हमारे यहाँ कोई बोलता है, खुर्शीद साहब स्पिन बॉलिंग की बात करें तो आप तो बड़े जबरदस्त स्पिनर निकले, आप बॉल कहाँ, आपने तो पिच ही बदल दी सर। सवाल ये था जो आपने कहा ना कि उआपो है समाजवादी पार्टी में, चीफ मिनिस्टर को बताए बगैर फैसला हो जाता है, आपसे अमर सिंह ने बड़ा सटीक सवाल पूछा कि आपकी पार्टी में वित्त मंत्री पे हमला हो जाता है और उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं होती? नहीं देखिए, वित्त मंत्री के खिलाफ अगर वो हमला करते हैं तो ये तो अमर भाई जान रहे हैं कि रोज जिस तरीके से आजम हमला करते हैं, जिस तरीके से लगातार एक दूसरे मंत्री के खिलाफ हमला कर रहे हैं, तो ये तो पूरे देश में अपने आप में लोग सर्वेदित है। वहां तो अगर उन्होंने कोई बात वो कही है तो निश्चित तौर से पार्टी उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेगी, लेकिन यहाँ तो एक परमानेंट फीचर है, पूछिए मतलब अगर ये आज राज्यसभा है जिस दिन मनाएगा आजम साहब फिर इनके खिलाफ बोलेंगे और पुराने अतीत के इतिहास इनके बारे में सुनाने लगेंगे। अभी तो अभी बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, क्योंकि अभी ये महसूस कर रहे हैं कि भाई आते ही जैसे उनका सिर मुड़ाते ओले पड़ गए, तो अभी तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अन्यथा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बिल्कुल जवाब सबका देंगे। सब आपकी दोस्ती है सुब्रमण्यम स्वामी, मैं इसका उत्तर देता हूँ, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम आप में सब नंगे, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। इनका कहना है कि हम इन बातों का उल्लेख न करें, लेकिन मैं समझता हूं शरद भाई कि हम न भी उल्लेख करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, दो लोग हैं तो आप मान रहे हैं कि आपका भी शीशा का घर है, ये तो नहीं, है ना? हमारा अच्छा वो तो देश की जनता तय करेगी ना कि आज हमारी कैबिनेट में जिस तरीके से इनकी कैबिनेट में फैसले हो रहे हैं या मुख्यमंत्री को एक कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा,
आखिर किन कारणों से करना पड़ा? मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के विश्वास पर्यंत ही काम कर सकता है। अब कोई मंत्री अगर कोई कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री को बिना विश्वास मिली हुए कर रहा है तो फिर उस सेनापति की क्या स्थिति? ये बड़ा सवाल है अमर सिंह साहब, दोबारा लौटना होगा इस मुद्दे पे, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर है तो कहते हैं कि यूपी में 5.5 चीफ मिनिस्टर, 5.5 चीफ मिनिस्टर, आपको भी लगता है कि यूपी में 5.5 चीफ मिनिस्टर? क्योंकि ये जो फैसला इन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी से विलय हो जाए और चीफ मिनिस्टर को इनकी कप्तान की जानकारी के बगैर फैसले हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर एक ही होता है और चीफ मिनिस्टर की ही बात कैबिनेट सेक्रेटरी सुनता है, चीफ सेक्रेटरी सुनता है, चीफ मिनिस्टर के। पर यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं सुनता है। आपको पता होगा, मुझे आप अपनी बात को ही खुद कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए थे और सबने जो करके गए शाम तक कर दिया। अभी आपने अपना वो उपकरण देखा, उपकरण में जो ब्रेकिंग न्यूज आई, जो न्यूज टूटी, उसका आपने उल्लेख भी कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की नहीं, पर मैं बताता हूँ ना मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि बलराम यादव वो मंत्री जिसकी शह पर ये विलय हुआ, जिसको मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट से हटाया, अब घोषणा ये हुई है कि बलराम यादव वापस आएंगे, तब चीफ मिनिस्टर की क्या कोई सोचे कि जिस मंत्री को आपने अपने कैबिनेट से हटाया वो वापस आ जाएगा कैबिनेट में, तो क्या मतलब है? बड़ा मन है, क्षमा बलन को चाहिए छोटन को उत्पात। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। देखिए, ये तिल को तार नहीं बनाना चाहिए। मैं जो कह रहा था तब तक इधर उधर हो गई बात, मैं अब फिर पुनः कह रहा हूं कि डाकू मान सिंह का लड़का डाकू तहसीलदार सिंह इटावा में मुलायम सिंह से लड़े, भारतीय जनता पार्टी के तहसीलदार सिंह मानसिंह के सुपुत्र, गुंडों का राज है, सुचिता शुद्धता का दल है, नामांकन भरने जाए आजमगढ़ के सचिवालय प्रांगण में तो मुलायम सिंह की सरकार है, लेकिन रमाकांत यादव जी का पूरा जखीरा उन पर हमला कर दे, हिंसक हमला कर दे, लेकिन सुचिता और शुद्धता की का दर्पण है रमाकांत यादव के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, तहसीलदार सिंह के बारे में नहीं बोलना चाहता। और जिस डीपी यादव का नाम आप बार बार ले रहे हैं, ठीक है वो कीचड़ होंगे, लेकिन कीचड़ में ही तो कमल उगता है। तो डीपी यादव को मुलायम सिंह जी के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। मुलायम सिंह जी के पास, समाजवादी पार्टी के पास वो गंगा जल नहीं है, वो साबुन नहीं है जिसको लगा करके सभी लोग शुद्ध हो जाए। मुख्तार अंसारी भी बहुजन समाज पार्टी में रहे और मुख्तार अंसारी की जो यह दल है, इस दल ने औपचारिक घोषणा करके अजय राय जी का समर्थन, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय जी का समर्थन किया और हमारे बड़े भाई अग्रज दिग्विजय सिंह की इसमें अच्छी भूमिका रही। आपके हिसाब से खुर्शीद साहब, चलो चर्चा हो रही थी सुब्रमण्यम स्वामी की और जगदम्बिका जी ने उसको घुमाने की कोशिश की, आपके हिसाब से जिस तरीके से बार बार सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली पर सीधे तौर पर या उनकी टीम पर हमला कर रहे हैं, उससे बीजेपी जो अपने आप को एक डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर पेश करती है उसकी इमेज पर असर पड़ रहा है? मैं समझता हूँ निश्चित ही ये बात है। समस्या इससे ज्यादा गंभीर है। मैं ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ढांचा है और उसका जो बेस है, जो विचारधारा का बेस है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी बात कह देते हैं जिसको प्रधानमंत्री या मंत्रीगण जो हैं उसको स्वीकार करने के लिए, आप औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। क्या ये उनका 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 विचार है कि नहीं, इसको वो स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वैसे ही जहाँ सामाजिक न्याय से संबंधित या सामाजिक समस्याओं से संबंधित विचारधाराओं में वहाँ कहीं ना कहीं टकराव है, वैसे ही उनकी जो इकोनॉमिक सोच है, जो अर्थव्यवस्था के संबंध में उनकी सोच है, वो भी टकराव है, बहुत बहुत गंभीर टकराव है। और उन्हीं टकराव का एक उदाहरण ये है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की ओर से देखने को मिल रहा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसके कुछ तथ्य होंगे, उसकी कुछ बुनियाद होगी, उसके कोई आधार होगा। उन सब का सामना करने के लिए स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को
नहीं तैयार कर पा रही है, देश के सामने ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होगी। और अगर कमजोरी नहीं है तो खुलकर बताएं कि कमजोरी नहीं है और सुब्रमण्यम स्वामी गलत है। सुब्रमण्यम स्वामी से हमारा कोई संबंध नहीं है, अच्छे संबंध। 36 का आंकड़ा है सर? नहीं नहीं, 36 का आंकड़ा तो पहली दफा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, मतलब इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों की जांच हो, मतलब ये खुद में कितनी बड़ी बात है? नहीं नहीं, देखिए, आरोपों की जांच इसलिए हो कि दूसरा आदमी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही है। और सरकार ये नहीं कह सकती कि ये हमारे विपक्ष के लोग हैं और ये विपक्ष के लोग सिर्फ अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये सरकार के विपक्ष के लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको अभी सरकार ने समर्थन देकर राज्यसभा का मेंबर बनाया है। तो कम से कम उनकी बात पर या तो स्पष्ट जवाब दे दें या उस पर एक जांच करा लें। पाल साहब, एक तरफ अखिलेश का चेहरा है, दूसरी तरफ मायावती जी का चेहरा है, आपके यहाँ पे किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, जो चेहरा आप कह रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश का चेहरा है और एक तरफ मायावती का चेहरा है, तो इस चेहरे को तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कई बार देखा, तो स्वाभाविक है। आप किसका चेहरा दिखा रहे हैं यूपी के लोग? हमारा चेहरा तो पूरा देश देख रहा है नरेंद्र मोदी जी का। और मैं समझता हूँ, जब मोदी जी के चेहरे पे आप बिहार में लड़े तब तो दिक्कत हो गई थी ना, तो असम में उसने आपके हाथ में सबक सीखा? नहीं, देखिए, ये प्रजातंत्र में क्या मतलब, अगर हम लोकसभा जीते बहुमत से, हम महाराष्ट्र का चुनाव जीते, हम हरियाणा का चुनाव जीते, हम झारखंड का चुनाव जीते, तो अगर हम एक चुनाव बिहार हार गए तो उसके बाद आसाम जीते, ऐसा भी कभी कोई उदाहरण है क्या कि 10 साल कांग्रेस पार्टी थी तो राज्यों में लगातार ये जीते? राज्यों में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आपको याद है कि रमन सिंह जीते थे, शिवराज सिंह जीते थे, तो इसके कहां तो ले? एक बिहार के चुनाव को मैं कहता हूं अगर हारी भी था उससे पहले, तो बिहार अकेला नहीं था। अच्छा, बिहार, दिल्ली, उसके बाद आसाम में सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 10% वोट वेस्ट बंगाल में मिला, 11.5% वोट केरला में मिला, जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी नहीं थी। आप जिसको कहते थे ये काउ बेल्ट की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद 2 साल में, आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार क्या नॉर्थ ईस्ट तक नहीं हो रहा? कल उतना, जहां पिछली बार हम 7% आसाम में पाए थे, वहां आज अगर हम सरकार बना लिए तो मुझे तो लगता है अगली बार हम केरला में भी सरकार बनाएंगे और बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। खुर्शीद साहब, आपको चिंता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आपकी एक बड़ी सरकार बची है कर्नाटक की, वहां पे 40 विधायक बागी हो गए, तो अगर कर्नाटक की भी आपकी सरकार चली गई तो होगा क्या कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जो लोग ये, आप नहीं बता सकते, जो लोग, अगर मैं बता सकता तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम पहले से तय कर लेते कि यहाँ जीत। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि होगा मुक्त कि नहीं होगा। कॉन्फिडेंस, देखिए, कॉन्फिडेंस जब समय आएगा, जहाँ चुनाव लड़ेंगे दिखाएंगे हमको कितना कॉन्फिडेंस है। मैं बता सकता हूँ कि अभी आप पर हाल के जितने भी चुनाव हैं वो तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आप देखिएगा, हम सीधे जाके गुजरात में आपको बताएंगे कॉन्फिडेंस क्या है, हम राजस्थान में बताएंगे कॉन्फिडेंस क्या है, चुनाव आने दीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में नहीं बता, यूपी आगे की सोच रहे हैं, अगर दम है, नहीं नहीं, गुजरात की सोच रहे हैं, राजस्थान, आपने यूपी नहीं बोला कुछ, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको, हमें अभी बहुत कुछ कवर करना है। राजस्थान गुजरात में हम तैयार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है आज चुनाव करा लें, चाहे वो हरियाणा में करा लें, चाहे राजस्थान में करा लें या गुजरात में करा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं भी जानता हूं कि 5 साल की अवधि होती है, 5 साल बाद ही चुनाव होगा और 5 साल बाद भी हमारी। अमर सिंह साहब, आपको लग रहा है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत? देखिए साहब, सिर्फ 2 सांसद आए थे भारतीय जनता पार्टी के, और अडवाणी जी ने संस्मरण में लिखा था कि जब 2 सांसद आए तो दिल्ली के मोती सिनेमा में अटल जी और अडवाणी जी दोनों को फिल्में बहुत पसंद है, वो एक फिल्म देखने गए सहयोग से, उस फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। तो बुरी से बुरी अवस्था होने पर भी, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य नागरिक, अगर योगी जी बन सकते हैं तो मैं भी सामान्य नागरिक बन सकता हूँ, और अभी तक तो मैं आधिकारिक रूप से सांसद बना भी नहीं हूँ, क्योंकि वो था नहीं लिए सर्टिफिकेट मात्र, तो सामान्य नागरिक ही हूँ। तो 44 है बुरे से बुरे समय में, तो 2 से तो कहीं अधिक संख्या है। आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो मादा है पार्टी को रिवाइव करने का? देखिए, किसी भी व्यक्ति के बाध्य के बारे में, मानव नहीं होता है, समय हो तो बलवान,
भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाल। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि जगदम्बिका पाल जी हमारे मित्र हैं और चेहरा तो उनको भी बनाया जा सकता था एक दिन के लिए ही, सही मुख्यमंत्री तो ये थे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक राजनीति में एक नई पद्धति चली है कि राजा जिसको छू दे वो रानी, हमने जिसको बना दिया खट्टर को बना दिया तो राजा वो वहां हो गए। हम चुनाव से पहले हमारा एक ही चेहरा होता है मोदी जी का, और चुनाव के बाद हम बादशाह की तरह आते हैं और फिर हम तय करते हैं कि कौन होगा, तो सत्ता की सजनी कौन होगी। तो मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में यह प्रयोग बुरी तरह से विफल हो गया है। और उत्तर प्रदेश में जो आपने प्रश्न उठाया वो मूल प्रश्न है, नीति सिद्धांत धर्म कर्म मंदिर और तमाम बातों के ऊर्ध्व एक चेहरे की जरूरत है। अगर लहर की बरसात हुई तो उस बरसात को काबिज रखने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, और वो अगर नहीं होगा तो इन लोगों की लड़ाई पहले पायदान पर ही कमजोर। लेकिन अगर आपका टाइप हो जाए कांग्रेस से तो आपको भी बल मिलेगा और कांग्रेस को भी बल मिलेगा। आप सुझाव दे रहे हैं? नहीं, मैं आप सवाल पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, सुझाव देने का काम मेरा नहीं है। नहीं, मैं आपके सवाल का उत्तर देने की हैसियत में मैं अभी नहीं फिलहाल, तुम्हें विनम्रता से मैं कह रहा हूं, जिस दिन मेरी हैसियत होगी डंके की चोट पर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको बताऊंगा। लेकिन आपने जो जो कहा कांग्रेस के बारे में उसके चलते लोग अपना मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा पाल साहब, आप ये बताएं, आपने कांग्रेस में भी काम किया, बीजेपी में क्या फर्क है? खुर्शीद साहब बाजू में बैठे हैं, हमने हेमंत बिस्व शर्मा क्या सोचते हैं राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में वो सुना, आपके हिसाब से क्या भारत कांग्रेस मुक्त होगा? देखिए, कांग्रेस में भी हमने पूरे जीवन काम, भाजपा में मैं अब आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों आया? जब मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था और जब राहुल जी नेता बने, सलमान भाई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, हम लोग बैठते थे राहुल जी के साथ तो वो कहते थे कि बेनी बाबू ही इज माई गुरु। और फिर जब बेनी बाबू बयान देते थे कभी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले पीएमओ में झाड़ू लगाने की नौकरी खोज लें, तो जब इस तरह के बयान पे सदन नहीं चलता था लोकसभा राज्यसभा, नरेश अग्रवाल ने कहा माफी मांगे, आज तो पार्टी ने ले लिया, राज्यसभा बना दिया अमर सिंह के साथ। तो हम लोग जाके कहते थे राहुल से कि आखिर भाई ने बना दिया, सबसे अधिक मतों से जिताए हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं बेन प्रसाद जी। अच्छा, 39 मत उनको मिले हैं। अच्छा, तो हाईएस्ट स्कोर, अब 39 मत मिल गया, कह रहे सबसे, अरे दो चार गालियां उन्होंने दी होगी, दी होगी, लेकिन वो फाउंडर नंबर है, उनका बलिदान बहुत ज्यादा है। गालियां तो उन्होंने तो अगर कहा मोदी जी हिटलर है तो मुलायम सिंह मुसोलिनी है, क्या क्या नहीं कहा आपको, क्या नहीं कहा शिवपाल को, क्या नहीं कहा कुमार है। मैंने बोला आपके हिसाब से क्या भारत कांग्रेस मुक्त होगा, जल्दी बताइए। नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि मुक्त हो, क्योंकि देश में जो स्थिति है, आप नहीं चाहते, कौन सी पार्टी में सर, आपके नेता ही तो चाहते ही हो, आप बोल रहे हैं आप नहीं चाहते, विपक्ष रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, अमित शाह और मोदी को तो बताइए, नहीं डेमोक्रेसी में, लेकिन जब जनता उनको, जनता कांग्रेस को मुक्त करना चाहती है, सवाल डेमोक्रेसी में हमारा नहीं है कि जगदम्बिका पाल या हमारी पार्टी, आप नहीं चाहते, अगर हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं या हमारे जो हमारी कार्यशैली है इस पे मुनसर करता है, इस पे निर्भर करता है। और स्वाभाविक है कि आज अगर कांग्रेस पार्टी एक एक राज्य से जा रही है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को देश की जनता इस कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है। चलिए खुर्शीद साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि अगर मैं सपा से पूछूंगा या बीजेपी से पूछूंगा कि चुनाव कौन जीतेगा तो अमर सिंह बोलेंगे सपा जीतेंगे और पाल साहब बोलेंगे कि बीजेपी जीतेगी। मैं आपसे पूछता हूं कि 2017 का यूपी का चुनाव कौन जीतेगा? मैं ये मानता हूं कि जो लोग राजनीति समझते हैं उत्तर प्रदेश की, वो आज इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। मुझे एक बात का विश्वास है, जो भी जीते भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, इस बात का मुझे विश्वास है। जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना है वो साकार नहीं होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। और हम कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना हम बढ़ सकते हैं, समय आते हुए आगे समय ये बताएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ऐसी पंचायत फिर से होगी जब हम पूरी तैयारी के साथ उस समय आपसे ये कह सकेंगे कि हमने जो विश्वास से कदम उठाया था वो कदम हमारा कामयाब। उम्मीद करते हैं वो 2017 के ही चुनाव से पहले होगा, 2022 के चुनाव की आप अभी बात नहीं कर रहे हैं।
हम तैयार रहेंगे, आप 17 से पहले बुलाइएगा, हम तैयार। अमर सिंह जी, आखिर में मुझे ये बताएं बहुत जल्दी से, वो तमाम नेता जिनके बारे में आपने भला बुरा कहा सपा के बारे में, और वो तमाम सपा के वरिष्ठ नेता जिन्होंने आपके बारे में भला बुरा कहा, जब आपकी उनसे फेस टू फेस मुलाकात होगी तो आप क्या कहेंगे? चिकपुला ग्रुप में चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनसे चुनाव लड़ा वीरेंद्र पाटिल ने, और ऐसा भयंकर चुनाव हुआ कि इंदिरा जी के पसीने छूट गए, और 15 दिन बाद, मात्र 15 दिन बाद वीरेंद्र पाटिल को उन्होंने कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया और केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो राजनीति में आलोचना, प्रत्यालोचना, साथ विरोध, न कोई स्थायी मित्र न कोई अस्थायी शत्रु, बल्कि राजनीति का तो एक ही गुरुमंत्र है कि राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। अच्छा, बस भूतपूर्व हो जाए लेकिन भूत न बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग जुड़े हमारे साथ पंचायत आज तक में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। We'll be right back.